ओम शांति। आज 2 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। आज की मुरली से प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, पहली निशानी, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरी बात, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा, खुद पढ़ाई पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे भी। तीसरा, पास विथ ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। और चौथा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। पाठशाला में ही तकदीर बनती है। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे तो तकदीर बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहे, पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जीवन का लक्ष्य। तो बाबा कहे, तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहां बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने। हम यहां आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात अपना राज्य भाग्य लेने। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। बाबा कहे, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हैं, हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहां से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। दुनिया में तो मनुष्य को गुरुओं से कुछ नहीं मिलता, टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। दुनिया में लोगों को अपने साकार पिता से वर्षा मिलने के बावजूद भी पढ़ते हैं ताकि हम अपनी कमाई भी कुछ करें। गुरु से कमाई कुछ नहीं हुई, गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो, हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है।
बाप की व अपनी मिल्कायत भी सब भस्म हो जाएगी, हाथ फिर भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे, नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते ही है संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम, सुख धाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते। बाबा कहे, बाप तो आते हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, कोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से क्या हुआ, आश्चर्य सुनंती कथंती बाप को छोड़ गए हैं, बाप को छोड़ के चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती फिर भी। हाय कुदरत ड्रामा की, ड्रामा की ही बात हुई ना, बाप खुद कहते हैं अहो ड्रामा अहो माया। किसको फारकती दे दी, किसको फारकती दे दी, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहां तो वह नहीं है, यहां तो डाइवोर्स दे न सके, बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, शास्त्रों में है भगवान वाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा, मच्छर सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। अभी हमको जाना है घर, ये शरीर छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। मुख्य बात यही है, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चोला छीछी है, यह दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बाबा कहे तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है, बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी, फिर पुराना तोड़ देते हैं, ममत्व सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है। यह है बेहद दुनिया की बात, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं, शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है,
प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सत्युग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना, प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था, हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो ये लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है? जब बुद्धि में बात बैठे तब कहेंगे कि हाँ यथार्थ समझा। पहले पहले तो ये समझा कर और फिर लिखाना चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है। हाँ, शिव बाबा जब समझाते हैं तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परमपिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। शिव बाबा दिखाया तो बाबा कहे फिर प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। यहां प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके, इतने सारे बच्चे, कुख की पैदाइश तो बाबा कहे हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोवर्स होते हैं। यहां तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह टीचर भी है, वही शिव बाबा टीचर भी है। निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है इस समय पतित आत्मा, बाबा कहे इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है,
फिर भी याद किसको करते हैं? लौकिक फादर तो बैठा है, फिर भी किसको याद करते हैं? आत्मा कहती है, यह हमारी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। समझाया जाता है, अब आत्माओं का बाप जो निराकार है, वह बड़ा या शरीर का रचयिता साकार बाप है, वह बड़ा। साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्य को पता नहीं है कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। एक तरफ कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, दूसरी तरफ कहेंगे परलोक गया। अब बाबा कहे मनुष्य को पता ही नहीं कि परलोक किसको कहेंगे, सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। सतयुग तो यहां ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है। जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है, लिंग रूप में दिखाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं है, गाया भी जाता है ब्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले, लेकिन साइंस वाले अभी तक भी आत्मा को पकड़ ही नहीं सके, इसलिए समझ भी नहीं सके। बाबा समझाते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है, जब तक बाप को न जाने या न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं, ऐसे समझ याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता वह आता, इससे माया का विघ्न कहा जाता है। ये कहते हैं ना, हमें यह देखने में आया, लाइट देखने में आई, तो बाबा कहे इसे माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहां छिप कर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं, अपने को ठगेंगे। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है,
पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहां बाप से वर्षा लेने की बात है। बहुत आते हैं, लेकिन मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना है। बच्चे कहते हैं, बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है, जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। अंदर में समझते हैं, अगर अभी वर्षा नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.